ये हमारे पॉपुलर के पौधे हैं, ये कस्सी है हमारी जहाँ जिससे पानी लगाते हैं खेतों को। ठीक है, ये देखिए अब ये ऊपर तकरीबन 100 फुट से भी ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, इसे कहते हैं इटालियन पॉपुलर, ये इंतहा खूबसूरत पौधा होता है। अब इसका कोई नुकसान भी नहीं है, पहले जो हमारे पौधे लगे हुए होते थे वो इधर उधर छांव करते थे, फसलें नहीं होती थी। अब आप चेक करें, बिल्कुल इसके करीब करीब लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखें, इसका कोई साया नहीं किसी चीज़ पे जा रहा है। साथ ही ये जापानी फल लगा हुआ है, आम लगे हुए हैं, किसी चीज़ के ऊपर इसका साया नहीं है। ये देखें, बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है सफेदे की तरह। सफेदे के फिर भी इधर उधर यानी कि शाखें निकलती थी, लेकिन इसकी वो शाखें भी नहीं निकलती, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ऊपर जाता है। ये तकरीबन 2 साल के पौधे हैं हमारे, 100 फुट से ऊपर जा चुका है ये। यही है कि 2 साल 3 साल बाद जो है ना इसकी कटाई करवा देते हैं, फिर और लगा देते हैं। ये जो हमारे मर्दान में माचिस की तीलियां बनती हैं वो वाले लेके जाते हैं, या फिर दरवाजे वगैरह बनाते हैं प्लाई वाले, ये वो वाले लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। ये हमने कलमे लगाई थी बहुत अर्सा पहले से हमने, यानी कि ये शुरू किया, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं इसके, और ख़र्चा भी कोई नहीं है, सिर्फ एक टीनी काट के आपने लगानी होती है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसका खर्चा, ना कोई केयर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको 1-2 साल में 100 फुट का आपको एक पौधा मिल जाता है, इसका ये फ़ायदा है, बग़ैर किसी खर्चे के, बग़ैर किसी परेशानी के। और दूसरा जो आम के बागात है ना, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब जैसे देखें ना, हमारे इस साइड पे भी आम है और इस साइड पे भी आम है। ठीक है, अब जब अंधेरियाँ वगैरह आते ही हैं ना, तो बहुत कम नुकसान होता है, कि अंधेरी आती है पहले इसके साथ टकराती है, फिर आगे कम यानी कि प्रेशर उसका कम हो जाता है, इसका ये फ़ायदा है। जो ज़मींदार हैं जो बाग उगा रहे हैं इसका मैंगो का, वो लाजमी इसे लगाएं, इससे बड़ा फ़ायदा है।